बस अल्लाह करता है बच्चों का रिजल्ट पानी को थोड़ा बहुत अल्लाह करता है। ओके स्कूल है, बेटी की शादी है अगले महीने करनी है, बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग हूँ, कुछ भी नहीं है बच्ची के उसको कुछ दे सकूँ, कुछ आया होगा अल्लाह का बंदा तो मेरी मदद इमदाद करें जी। व्यूवर्स, बाजार से गुजरते हुए ये बर्फ के गोले की रेड़ी देखी जिसमें शबीर साहब बर्फ के गोले बना रहे हैं। बचपन की याद ताज़ा हो गई, वही लकड़ी की मशीन, वही अंदाज बर्फ का बुरादा बनाने का, वही रंग अगर बदला है तो सिल्वर की छोटी गिलासी की जगह डिस्पोजिबल गिलास। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा भैया क्या नाम है आपका? शबीर अहमद जी। शबीर भाई कितने अरसे से इस काम से वाबस्ता हैं? तकरीबन भाई 30 साल हो गए। 30 साल तो गुजर औकात हो जाती है। बस अल्लाह करता है बच्चों का रिजल्ट पानी को थोड़ा बहुत अल्लाह करता है, औखे इसको अलग गुजार ही लेते हैं जी। आज भी बच्चे हमारी तरह बर्फ के गोले खाते नजर आते हैं। मौजूदा महंगाई ने जहां बहुत सारे दूसरे सफेद पोश लोगों का जीना मुहाल किया, वहीं शबीर भी हालात से परेशान दिखाई देता है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं जी, जिनमें से 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी की शादी अब अगले महीने करनी है, बहुत परेशान हूँ, बहुत तंग हूँ, कुछ भी नहीं है बच्ची के उसको कुछ दे सकूँ, कोई आया होगा अल्लाह का बंदा तो उसे कहें मेरी मदद इमदाद करें, बहुत परेशान हूँ। अल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर करें। आमीन। अल्लाह जी कुल की परेशानियाँ दूर करें, मालिक मेरी भी साथ करें अल्लाह जी। अगली माँ बेटी की शादी के लिए परेशान शबीर ने मुखय्यर लोगों से इमदाद की दरख्वास्त की। बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं और बेटियों के हाथ पीले करना हर बाप का ख्वाब होता है। हमारी मुखय्यर हज़रात से गुजारिश है कि वो शबीर की मदद करें ताकि एक बेटी रानी बाइज्जत तरीके से अपने घर रुखसत हो सके। कैमरामैन मोहम्मद उज़ैफा कैसर और मोहम्मद मुस्तफ़ा कैसर के साथ कैसर दिलावर जिदून, शिनासा टीवी, हसन अब्दाल। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें और हमारे Facebook पेज शिनासा TV FB को भी फॉलो करें।